हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक डिश लेकर आई हूँ। यानी मैगी तो आपने बहुत खाई होगी, पर आपने क्रिस्पी मैगी कभी नहीं खाई होगी। ये मैगी लवर्स के लिए है और मैगी लवर्स को तो मैगी कैसी भी हो वो बेहद पसंद आती है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए मैंने कढ़ाई, तो कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे बटर और इसको हम होने देंगे अच्छी तरीके से मेल्ट। तो बटर हो गया हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट, तो इसमें इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज की ली है और इसको बारीक कट कर लिया है। और प्याज को हमें हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो प्याज का हो गया हमारा हल्का सा कलर चेंज। तो फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। तो मैंने एक ही मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है और इसको भी बारीक कट कर लिया है। इसको भी हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। शिमला मिर्च भी हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो टमाटर मैंने एक मीडियम साइज का लिया है, उसको भी हम डाल देंगे और इसको भी हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, यानी गल चुके हैं। तब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस, तो ये मैंने एक चम्मच लिया है। फिर उसके बाद डाल देंगे हम रेड चिली सॉस, ये भी मैंने एक चम्मच लिया है। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और एक मिनट के लिए ये सॉसेस के साथ इसको पका लेंगे। सॉसेस हमारे पक चुके हैं, अब इसके बाद डालेंगे हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद आधी चम्मच नमक, क्योंकि नमक होता है मैगी मसाले में इसलिए। फिर हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये भी आधी चम्मच। फिर धनिया पाउडर, ये भी आधी चम्मच। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। फिर उसके बाद डालेंगे हम मैगी मसाला, यानी कि टेस्ट मेकर, ये मैगी का। तो मैं दो मैगी ले रही हूँ, तो दो ही हमें पैकेट डाल लें। तो ये मैंने एक पैकेट इसके अंदर डाल दिया है और ये दूसरा पैकेट। तो अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए पका लेंगे। तो सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब मैं है मैगी की बारी। तो आप सोच रहे होंगे मैं मैगी कैसे डालूंगी, तो वो मैगी मैंने कर ली है रोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर ली है। इसी तरीके से आपको रोस्ट करनी है और फिर करनी है इसके अंदर मिक्स, क्योंकि फिर बनेगी हमारी क्रिस्पी एंड कुरकुरी मैगी। और अगर आप ये एक बार खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और आप इस वाली मैगी के भी दीवाने हो जाएंगे। तो अब कर देंगे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स और दो मिनट के लिए इसी तरीके से हम पका लेंगे। इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है। तो इसको दो मिनट मैंने लगातार इसी तरीके से चलाते हुए पका लिया है। तो ये हमारी क्रिस्पी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं करूंगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप डालना चाहें तो इसके ऊपर से चीज़ या फिर मेयोनीज डाल सकते हैं, नहीं तो मैगी का तो एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। वो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है। अगर आपको मेरी क्रिस्पी मैगी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।